और हेमंत सोरेन जी के पीछे जिस तरीके से मेरी बहू ने कल्पना सोरेन आज महिला सशक्तिकरण के प्रतीक हो गए, आज शहरों की आवाज बन गई है, हर लोगों की उम्मीद बन गई है। तो इसलिए जिस तरीके से वो नेतृत्व मिलके झारखंड ही एक ऐसी पार्टी है जो यहां नफरत की नहीं विकास की बात करती। बीजेपी के पास कोई विकास के मुद्दे नहीं है, नेतृत्व नहीं है। क्या विश्व शर्मा जैसे गुंडे यहां बैठेंगे? क्या वो करेंगे? क्या थैला खोल के आएंगे? क्या रैगिंग करेंगे? क्या करेंगे? अब तो जितना तंग करना था झारखंड के बेटा को कर लिया, जितनी यातनाएं देनी थी दे दी, जवाब अब उन्हें मिलेगा। अरे भाई, हरियाणा में आप 1,40,000 वोट आपने रैगिंग की, एक सीट पर 18 वोट से आप चुनाव जीते, 1,000 से 600, 400, 300 वोट, 200 वोट, 18 वोट पर आप हरियाणा में लगभग आप 40 सीट पर जीते हैं। मात्र 1,40,000 सीट का, 1.5 लाख वोट का डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। रैगिंग ना किया होता ये हालात नहीं होते, और निर्दलीय को वो पैसा ना दिए होते कांग्रेस के निर्दलीय, ये बीजेपी की गुंडाई होती है कि वो निर्दलीय खड़ा करके वो हमेशा इस तरह की रैगिंग करती है, और यहां भी करने की उन्होंने प्रयास किया। तो सोरेन जी को जिस तरीके से सम्मान दिया, हेमंत जी ने अपने परिवार को नहीं बनाया, अपनी पत्नी को नहीं बनाया, अपने भाई को नहीं बनाया, उन्होंने एक वर्कर को बनाया जो लीडर थे चंपई सोरेन, और उन्होंने पीठ में खंजर भोग दी, और भोगवाने वाले कौन थे, उसके पीछे किसकी भूमिका थी? दिल्ली की। ये बिहार, यहां झारखंड की ना सरकार बनेगी, दिल्ली की नहीं ना, तो फिर दिल्ली और असम के गुंडे यहां क्या करेंगे? उसका जवाब पुरजोर दिया जाएगा।